Happy Sunday, everybody. Welcome back to another video, and I hope you're having an amazing Sunday so far. Thanks for clicking on yet another declutter video. And in today's video, I'm going to be decluttering some of my nail polishes. I have one big nail polish collection video on my channel. I'll try to link it down below, but you can search it up on my channel agar aapko dekhne mein interest hai toh. I have shown so many nail polishes in that video. उस वीडियो के बाद कुछ कुछ नेल पॉलिशेस मैंने शायद डीक्लटर की थी बट आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ देम. आई विल इंसर्ट माई ड्रॉअर व्हाट इट लुक्स लाइक राइट नाउ, नेल पॉलिश ड्रॉअर, एंड इट इज़ ए कम्प्लीट मेस. हर नेल पॉलिश लुढ़की हुई पड़ी है, कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है. आई डोंट इवन नो कि मेरे पास आज की तारीख में कौन सी नेल पॉलिशेस हैं और कौन सी नहीं. इतनी बुरी हालत हो रखी है उस ड्रॉअर की. It's funny because I don't even wear nail polish that often. आप देख सकते हैं, I mean, I'm not used to wearing nail polishes. See, I just love the freedom of short nails and no nail polish. But the thing is that whenever I do like to apply nail polish, I love to have options, you know, in terms of colors and texture. So I love to have options. इसलिए मैं शायद out of the way जाके बहुत सारी खरीद भी लेती हूँ. तो anyway, today we are going to be decluttering the nail polishes. I'm going to throw away or the giveaway nail polishes, giveaway to my house help because she is crazy for nail polishes. So aaj finally main nikalne wali hu and she's going to enjoy them. I know she's going to enjoy them. So some of them I'm going to discard jo purani ho gayi hain, sookh gayi hain, and some I'm going to give away to her jo main nahi pehenne wali hu but they are in absolutely good condition and wearable. And then I will keep a maybe pile that, you know, आज मूड नहीं कर रहा है, हो सकता है 6 महीने बाद मूड करे, और 6 महीने बाद भी अगर मैंने नहीं लगाई तो दैट विल ऑल्सो बी डी क्लटर्ड. सो देर गोन बी पाइल्स लाइक दिस. आई एम गोन कीप, आई एम गोन डिस्कार्ड, आई एम गोइंग टू गिव एंड ए मे बी पाइल. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. अभी तो आई डोंट नो, आई एम जस्ट टॉकिंग, बट प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है क्या नहीं होता है देखते हैं. लेट्स गेट डी क्लटरिंग. Alright, so these are all of my nail polishes जो bedroom के vanity drawer से निकाल के मैंने यहाँ रख दी हैं so that it becomes easier for me to see and for and tell you also. Plus I had some random stuff in that, so I had the Nykaa Go for Glow mask and some nail polish removers, some top coats and some sheet masks as well जो मैं सारा declutter करने वाली हूँ. तो ये सारा सामान जो था वो मेरे bedroom के vanity drawer में पड़ा हुआ था इन द नेल पॉलिश ड्रॉअर. सो लाइक आई सेड, लास्ट ईयर मैंने काफ़ी कुछ डीक्लटर किया था यहाँ से, बट उसके बावजूद आई हैव सो मेनी ऑफ देम एंड आई डोंट इवन नो व्हाट टू डू विद दिस. इसमें से बहुत सारी तो मतलब मुझे लगता है 5-6 साल पुरानी है जो सूख गई होंगी, बट आई जस्ट नेवर गॉट अराउंड थ्रोइंग देम. कुछ मैंने खरीदी बिकॉज आई थॉट आई लाइक द शेड दैट बैक देन, लेकिन अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है एंड आई नेवर वोर इट. सालों से मैंने पहनी नहीं है तो वो सारी निकल जाएंगी. और ये सामान इसमें से तो बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, बट लेट्स टैकल दिस फर्स्ट. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द ईजियर स्टफ फर्स्ट जो बहुत आसान है. दीज आर टॉप कोट्स और ये तो नेल पॉलिश रिमूवर है जो ख़त्म होने वाला है तो ये तो फेंकना है. ये नया है तो ऑब्वियसली ये रखना है. तो ये तीनों चीज़ें अभी इसमें थोड़ा सा है तो मैं इसे रखूँगी, तो ये तो रहेगा. सो डेफिनेटली दिस विल गो इन दिस कंटेनर. ये भी एक नेल पॉलिश रिमूवर है. दीज आर एक्चुअली नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स. मैं तो फर्स्ट टाइम ये यूज़ करूँगी तो ये ऐसा है तो ये भी रहेगा. दिस इज़ द कलर बार रैपिड ड्राई टॉप कोट. तो इसका कंटेनर मैं फेंक रही हूँ और सिर्फ ये टॉप कोट रख रही हूँ. ओके, नायका गो फॉर ग्लो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू कीप, सो दिस इज़ गोइंग टू बी डिस्कार्डेड अवे. दीज शीट मास्क आई विल यूज़ अप नाउ. आज और कल में मैं यूज़ करके फिनिश कर दूँगी, सो ये रहेगा. एंड दिस इज़ अ सेट ऑफ मेकअप ब्रशेज़ आई गॉट फ्रॉम लॉरियल ओनली, फ्री ऑफ फ्री विथ समथिंग. नाउ लेट्स टैकल द नेल पॉलिशेस. सो आई स्टार्ट विद द वंस आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड एंड देन ऑब्वियसली द वंस दैट विल बी रिमेनिंग विल बी द वंस दैट आई विल कीप. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Thank you.
तो सॉर्ट आउट कंप्लीट हो गया है और मैंने तीन अलग अलग पाइल्स बनाई हैं, ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है. सो द सेंटर वन आर द वंस दैट आई एम गोइंग टू कीप एंड दीज इंक्लूड दीज वंस. ये भी बहुत ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन क्या है नेल पॉलिशेज में ना थोड़ी वैरायटी होनी इज़ अ गुड थिंग बिकॉज यू नो यू कैन स्विच अप द शेड्स एंड ऑल. एंड इसमें से मतलब ये काफ़ी सारी तो ये नई नेल पॉलिशेज ही हैं, मतलब बहुत टाइम हुआ ही नहीं है ख़रीदे हुए. और आगे भी यहाँ पे यू कैन सी इसमें कुछ कैटरीना वाली हैं, के बाय कैटरीना, एंड देन आई हैव सम लॉरियल एंड अ फ्यू अदर वंस. आगे यहाँ पे ये भी लॉरियल ही है, ये सब लॉरियल हैं, ये सारी मतलब है न्यू है, ये अर्बन डीके की है. बट आई लव दिस शेड और अगर मैंने इसे नहीं पहना और थोड़े दिन में तो मे बी आई गिव इट अवे, बट अभी के लिए आई डेफिनेटली वॉन्ट टू यूज़ इट अप. Some new color bar ones, this one and this one is also a new color bar one. So these are the ones that I'm keeping, and then obviously these are the nail polish removers jo obviously zarurat hai. Coming over to this pile, this is the pile that I'm going to get rid of. I'm going to give it away to my house help. Isme sari wo shades hain jo I know ki main नहीं ही पहनने वाली हूँ, तो इसमें नायका है, मोस्टली कलर शो की आपको दिख जाएंगी, कुछ लॉरियल हैं, ये एक लैक्मे की है जो शेड अच्छा है बट आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट एनी मोर, सो आई नो आई एम नॉट गोइंग टू वेयर इट एज़ वेल. आई हैव सम एलेंजा वन, सम मोर लैक्मे. ये वाला लॉरियल का मुझे बहुत अच्छा लगा शेड, लेकिन इसका जो है ना वो लाइक आई शोड यू ब्रश नहीं है, तो ये रख के कोई फ़ायदा नहीं है. एक्चुअली दिस वन आई कैन लिटरली डिस्कार्ड, बट आई एम कीपिंग इट हियर क्योंकि ये लोग मतलब यू नो हो सकता है माय मेड्स डॉटर माइट यूज़ इट इन सम अदर वे, किसी और ब्रश को यूज़ करके, सो उसके काम आ जाएगा. और एक यहाँ पे भी ये भी लॉरियल की है, सो दीज आर द वंस दैट आई नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेयर. दिस इज़ कलर एसेंस वन. So that's the one that I'm going to give away. I'm also going to give away these two Go For Glow masks, जो मेरे तो किसी काम के नहीं हैं but हो सकता है वो use कर ले, तो वो मैं दे दूँगी. यहाँ पर ये जो छोटा pile है ये है मे बी pile. तो इसमें से ये जो shades हैं I'm not able to decide whether I want to wear them or not, and that is why they are in the maybe pile. और अगर मैंने 6 महीने तक इनमें से कोई भी इस bunch में से कोई भी shade नहीं पहना तो आई एम गोइंग टू डी क्लटर दिस बाई द एंड ऑफ 6 months, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट बी कीपिंग समथिंग आई विल नॉट यूज़. ये मेरा फाइनल नेल पॉलिश कलेक्शन होगा. एज यू कैन सी मैंने काफ़ी सारा मतलब जो है डाउन साइज कर दिया है. अच्छा, ये जो ब्रश किट है अभी के लिए मैं रख रही हूँ, बिकॉज यू नो इफ़ आई एम ट्रैवलिंग दी स्मॉल ब्रशेज काम के आएंगे, इसलिए मैं ये रख रही हूँ. दैट वन विल रिमेन, द शीट मास्क आई विल यूज़ अप. And that's that. So this is how my nail polish drawer looks now. आपने पहले देखा होगा it was so messy और अब काफ़ी हद तक organized है. तो these are the nail polishes that I am keeping. This one and then oops. These are the two piles of nail polishes that I'm keeping. और ये तो plastic container में है. And this is an old like a mobile box of my पुराना किसी mobile का. तो ये देखिए कितने अच्छे से काम आ गया. यहाँ बीच में मैंने ये brush का set रखा हुआ है travel वाला. और by the way मैंने nail polish लगा ली है. And it is this one. This is the Lakme Gel Stylist. Shade number पता नहीं कौन सा है. यहाँ लिखा है शायद डीप टोप. सो ये मैंने लगाई है एंड ये मेरी डिस्कार्ड पाइल में थी, लेकिन अब मैं इसे रखने वाली हूँ क्योंकि यू नो द शेड इज़ गुड एंड द नेल पॉलिश अभी भी अच्छी है, अच्छे से लग जाती है. ऑल दो आई डोंट नो दैट गुड ऑफ एन एप्लीकेशन मैंने नहीं की है, बट नेल पॉलिश अच्छी है इसलिए उसको रख रही हूँ. ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ अ कैंडल होल्डर और इसमें जो है दिस इज़ अ मेबी पाइल. तो ये सारी वो नेल पॉलिशेज हैं जो मैं देखूंगी कि अगले 6 months में मैंने यूज़ की कि नहीं की, अगर नहीं की तो ये डिस्कार्ड हो जाएंगी. तो दिस इज़ दैट मेबी पाइल ऑफ नेल पॉलिशेस. एंड देन यहाँ पे दिस इज़ अ प्लांटर आई थिंक, लेकिन इसमें मैंने जो है नेल पॉलिश रिमूवर्स, ये टॉप कोट्स और रिमूवर्स डाल रखे हैं. और ये चारकोल एंड पर्ल मास्क है, दिस इज़ फ्रॉम मीराबेल. तो ये तो मैं यूज़ कर लूँगी अभी. तो पहला तो ये है चारकोल एंड पर्ल और दूसरा है चारकोल. सो ये तो मैं यूज़ कर लूँगी. एंड बट देखिए द ड्रॉअर लुक्स सो ऑर्गेनाइज्ड और अभी भी काफ़ी जगह है.
यू नो और भी सामान रखने की. ऑफकोर्स पहले फेरेरो रोशर का एक प्लास्टिक बॉक्स रहता था जो आधी से ज़्यादा स्पेस यूज़ करता था, बट हैविंग डिस्कार्डेड दैट एंड ऑल आई डोंट नीड दैट बिग बॉक्स. एंड जब ये भी चला जाएगा तो देखिए कितनी जगह बचती है. और नीचे मैंने एक ग्लॉसी पेपर लगा रखा है सो दैट यू नो गंदा ना हो, तो ये एक पेपर लगाने से ना ठीक रहता है. एंड या आई एम फीलिंग सो हैप्पी. सो येप दैट इज इट. I really hope that you have enjoyed this video and you know you have gotten some motivation to go get cleaning and decluttering your nail polish collection also if you have so many. And thank you so much for watching this video. I will see you again in my next one. Till then, all of you take care and I hope you have a great week ahead. Bye.